लेकिन चार बातें हैं जो सिर्फ श्री कृष्ण में है और किसी में नहीं। पहली है रूप माधुरी, भगवान श्री कृष्ण जैसा आकर्षक रूप किसी का नहीं है। यहां तक कि नारायण भी उनकी तरफ आकर्षित होता है, बाकी तो छोड़ ही भगवान नारायण कृष्ण की तरफ उन्हीं का देयर इज नो डिफरेंस। लेकिन खुद दिव्य मुरलीधारी नवर किशोर रूप भगवान श्री कृष्ण का है ना, वो उतना आकर्षक है, इतना आकर्षक है कि बंदे का और कहीं मन ही नहीं लगता। वो गाला एक बांसुरी वाला शुद्ध बिसरा गया मोरी ने। दूसरा है वेणु माधुरी, ये जो वेणु कहां से ले आए, किसी अवतार के पास वेणु नहीं, भगवान कृष्ण की जो वेणु है इसकी कुछ समझ में नहीं आ रही है क्या वाद्य क्या है। एबोरिजिनल का वाद्य है, बांस से बांसुरी बना दी है, आदि मानव का वाद्य। और जो उसमें से नाद निकलता है क्या करता है, वो सारी सृष्टि को जड़ कर देता है, प्लैनेट रुक जाते हैं सब कुछ, और जो जड़ है जो पत्ता है वो निकल जाता है। तो चरणों के निशान सब आपको मिलते हैं, वहां ब्रश में आप जाइए, सबसे ज्यादा निशान है कामे मन में चरण पहाड़ी में, भगवान श्री कृष्ण के, गोपियों के, गऊओं के, मोर के, सब निशान। जब बांसुरी वादन हुआ ना पत्थर के गिर गई, और जो लोग थे वो पत्थर हो जाए, सारी सृष्टि को हिला दिया भगवान ने भी हुआ। तो पहला बोला रूप, भगवान जैसा रूप और किसी अवतार में नहीं। और दूसरा वीण माधुरी, आपको मैंने दो वीण दे दिए, तीसरा बताइए। तीसरा बताइए लीला माधुरी, भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है उसकी विचित्रता, अद्भुत विचित्रता है। अभी देखिए जन्म से ही प्रारंभ हो गया, एवरी अवतारा अपीयर्स इन द नून टाइम, दोपहर के 12 बजे सारे जरूर जितने भी आप भगवान राम से लेके बलराम से लेके दिन का भी देखिए, भगवान कृष्ण चोस मिड नाइट आधी रात को जन्म लेते, इस महीने भाद्र मास है, भाद्र मास को इतना बढ़िया महीना नहीं, उसको उन्होंने मतलब भगवान का काम भी ऐसा है जो गिरे हुआ को काम, बुधवार का दिन पकड़ा, बुधवार क्या कोई बड़ा नहीं है, मुझे बताइए एब्सोल्युटली राइट। तो दिन बुधवार मध्यनिशी थी, रोहिणी नक्षत्र भाद्रपद मास, तो भगवान श्री कृष्ण की लीला विचित्री है, बचपन से जन्म बालक के रूप में प्रकट होते हैं और वो देव की वसुदेव उनको देख के स्तुतियां करते हैं, कहते हैं हमारे जल्दी जल्दी नॉर्मल हो जाइए, ये रूप को देख के डर लग रहा है, तो लगे रोने। कितने सेकेंड के लिए देवकी को भगवान का स्पर्श प्राप्त हुआ, उसमें भी भगवान ने उनको सेवा दे दी। आप देखो ये ना मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान देखा, उसके पीछे वो है पोतरा कुंड, देव के मामले भगवान के पोतरे दो धोए, यहां तो आपके डिस्पोजेबल होते थे ना, वहां तो कपड़े यूज कपड़े लगा के फिर उनको धोया जाता है। तो लीला माधुरी अद्भुत, पूतना वध किया, चिटका स्वरूप वध किया, टिडा और अदा स्वरूप बका स्वरूप, कहीं पे अस्त्र शस्त्र धारण नहीं किया, ऐसा अद्भुत लीला भगवान की मधुर लीला। और अल्टीमेट है नंबर फोर प्रेम माधुरी, श्री कृष्ण जैसा प्रेम उनको नहीं कर सकता। देखो पूतना उनको मारने के लिए आया, लेकिन भगवान ने उसको मां के समान गति दी, तो मां का रूप धारण करके आई थी, मां की गति दी, ऐसा प्रेम सुदामा के पांव को अपने आंसुओं से पथा रहा है, सर्वस्व दे दिया है, साथ भी दुर्गर खाए है, जुरी उधर के दे देते हैं, क्या क्या अद्भुत बातें हम सुनेंगे। ये चार बातें वेणुवाद
मात्री रूप मात्री लीला मात्री प्रेम मात्री सिर्फ भगवान श्री कृष्ण में है, इसी रहस्य अदरवाइज है सारे एक तत्व है बराबर। लेकिन हमें तो रस ज्यादा चाहिए ना, इसलिए हम लोग श्री कृष्ण की इस हरि कथा भागवत का श्रवण करेंगे, जहां पे वेद व्यास जी ने जब भागवत की रचना की तो उनको परा शांति की प्राप्ति हुई। और सबसे पहले जो प्रसंग आया भागवत का उसमें अश्वत्थामा का मानवर्धन प्रसंग आता है। सबसे पहले जब अश्वत्थामा द्रौपदी के पांच पुत्रों को सोते हुए मारे तो द्रौपदी के लिए उसको पकड़ के लाया अर्जुन, लेकिन द्रौपदी ने उसको फॉरगिव किया। वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐसी वाणी मिलेगी जिसके पांच पुत्रों को मार दिया उसने कहा इसको माफ कर दो। कैसी इन बच्चों को मारा ऐसे कहती जैसे मैं तड़पड़ी हूं ना इसकी मानी तड़पनी चले छोड़ो। तो उसने कहा इसका मान वर्धन जब से मरी निकाल तो अश्वत्थामा के प्रसंग से प्रारंभ हुई। और उसके बाद भीष्म पितामह का निर्माण और भगवान श्री कृष्ण के सामने उसको देखते देखते स्तुति करते करते भीष्म पितामह ने इच्छा मृत्यु से प्राण त्यागे। उसके बाद पांडवों का स्वर्गारोहण हुआ और परीक्षित महाराज जी का राज आ गया, कलयुग आ गया। कलयुग को कन्फ्रंट किया परीक्षित महाराज ने, तू मेरे राज में नहीं एंटर कर सकता क्यों क्या। तो कलयुग कहता महाराज मेरे अंदर बड़े दुर्गुण है, एक तो गुण मेरा अच्छा है तो बताएंगे कलयुग का क्या गुण है जिसके कारण उसको नहीं मारा गया। एक गुण कलयुग का नहीं आपके लिए था वेरी नाइस। कलयुग में कीर्तन से सिंपली आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो हमारे सारे ग्रंथों में कीर्तन ही कीर्तन भरा हुआ, यहां तक कि अगर आप किसी गुरुद्वारे में जाओ तो शब्द कीर्तन 24 घंटे चल जाए, गोल्डन टेम्पल में जाए शब्द कीर्तन हो रहा है। नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जिस नाम अखार, तो नाम कीर्तन ही सब कुछ है। त्रिपाठी जी आगे इसका मतलब कोई इशारा है नहीं मारा तो नाम कीर्तन की विशेषता के कारण उसको परीक्षित महाराज ने जगह, लेकिन उसको बोला चार जगहों पे यू कैन स्टे, वो आपको कल बताएंगे। अब क्या हुआ परीक्षित महाराज तो बड़े अच्छे थे, जैसे ही सोना उसको दिया सोने के मुकुट में बैठ गए कलयुग जाके जल्दी कर दी। श्रृंगी ऋषि के आश्र उनके गले में सांप लटका दिया, पुत्र ने आगे श्राप दे दिया सात दिन में। तब वो जो सांप सात दिन में आके काटेगा सांप तक्षक कोई रोक नहीं सकता, तब जाके शुक्र तल में बैठे जो लोग बाद में आए हमने पहले से यहीं से शुरू किया कि परीक्षित महाराज जी को शुकदेव गोस्वामी महाराज ने कहा कि सात दिन तुम श्रवण करो तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो। अब इसके महात्म में दुदुकारी की कथा आ गई, गोकर्ण ने कथा सुनाई दुदुकारी एकदम वैकुंठ को चला गया, सारे श्रोता कंप्लेन करने लगे हमने भी सुनी उसको आपने वैकुंठ दे दिए हम भी श्रवण कर रहे थे। तो मैं क्या जिस तरह से उसने एकाग्र चित्त होकर श्रवण किया और मन में लिया उस तरह से तुम करोगे तो तुम्हें भी हम वही करेंगे। तो ये इसका मूल्य है, ग्रीड इज दी प्राइस, लालसा मूल्य। ये ग्रीड अगर हमारे अंदर होगी तो इस पुरुषोत्तम मास के सुवर्णिम समय में अगले चार दिन 13 जून तक तो पुरुषोत्तम मास है, उसके बाद भी 3 दिन ये चलेगी तो इसका हमें वो फल प्राप्त होगा जो इसका वास्तव में प्राप्त होता है। तो इसलिए वांछा कल्पत रूप यश्च कृपा सिंधु भय वचा पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। एक मिनट का कीर्तन से परिवार गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे
तो वैकुंठ धाम को धाम में पहुंच गए और जब ब्रह्मा जी के साथ में शिव जी के पास साथ पहुंचे तो महत्तम और बढ़ गया। तो भगवान ने कहा मेरा नाम करेगा पुरुषोत्तम नाम। वैसे इसकी कथा मैंने कई बार सुनाई है माध्यम की, लोग अधिक नहीं कहना चाहिए, बहुत से लोग मनमास कहते, जो मनमास कहते वो पापकारी होते हैं, तो मैं भी इस शब्द को माफी मांगूंगा कि यह पुरुषोत्तम मास है। लेकिन कहने का भाव मेरा यह है कि अभी इसकी प्रसाद खाली है, आप अन्य दिनों में जो प्रसाद देते हैं उसका ठीक है, लेकिन इसका जो फल है अनंत गुना है अन्नदान। भारत में तो ब्राह्मणों को लोग खीर और मालपुआ खिलाते हैं, बुरा बुरा खिलाते हैं, कम से कम मालपुआ खीर न खिलाओ तो अन्नदान जरूर है, रोटी सब्जी दाल जो अंदर अंदर बनता है। मैं समझता हूं कि 7 दिनों तक जरूर आप लोगों को देना चाहिए और यह 3 साल बाद आता है इसका महत्व। तो हमारी प्रसाद सेवा खाली है, तो जो भक्त इसमें प्रसाद सेवा देना चाहते हैं वो जरूर दें, क्योंकि हमारा काम है कि दूसरे से पूर्ण कराना, तो हमको भी फल की प्राप्ति 10% होती है, इसे प्रसाद सेवा चलनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में यह प्रवाह आज से प्रारंभ हुआ, सतत चलता रहेगा। कल का जो समय है वह 7 से 8:30 का समय है, शनिवार को चलता रहेगा, रविवार का वह 6 से 7:30 का समय होगा। तो कथा में वास्तव में जब हम प्रारंभ करते हैं, मैं भी यहाँ बैठता हूँ तो 2-4 होते हैं, तो कथा जब आगे बढ़ जाती है इतने लोग हो जाते हैं, आप कोई कह पड़ी आपने पहले से कथा कौन सी सुनाई थी, तो वह आनंद नहीं आता। प्रारंभ में आप बैठे कथा का श्रवण करें तो आपको आनंद की अनुभूति होगी, और यह आनंद वर्षा व्यास जी के मुखाबले से चल रही है, जिसे आप छूटने न दें। इन तत्वों के साथ में व्यास जी को नमन करते हुए आज के इस प्रोग्राम को यहीं पर समापन करने जा रहे हैं। 13 तारीख की अमावस्या है, आज एकादशी है, और अमावस्या एकादशी अमावस्या तक लंगर प्रसाद आप जरूर दें अपने श्रद्धा भक्त प्रेम के साथ में। इन्हीं शब्दों के साथ में आरती होगी, आरती के लिए आप जरूर। एक मिनट, मैं इनकी बात का पूरा समर्थन करता हूँ इस बात के साथ कि हमने इंडिया में देखा हमारी माँ 33-33 बसों के चढ़ाती है हर पूरे महीने, तो आप लोग $3,300 $330 या $33 एटलीस्ट इसमें जरूर सेवा दें, जैसे ये कह रहे हैं अनवेंस, उसमें हमें कोई वो नहीं है, हम आपका बेनिफिट ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इसका वेरी वेरी फोल्ड रिजल्ट पुरुषोत्तम मास, क्योंकि ये 3 साल में एक बार आता है। व्याजी ने जो बात कही वह विशेष आप लोगों के हित के लिए कही, जिसमें आपका हित हो हमारा हित हो, तो अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं है, तो इतनी चीजें न दें, एक दिन का प्रसाद आप जरूर देने की ये सोचें कि आपके हाथ से पुण्य जरूर हो। 3 साल बाद यह पुरुषोत्तम मास आता है, अब आरती होगी, आरती के लिए सभी आप लोग खड़े हो जाएं। Thank you.
Yeah.